उस्ताद अल्लारा खां हमारे देश के एक ऐसे महान कलाकार हैं जिन्होंने तबला जैसे वाद्य को अपने पांडित्य के बल से एक उत्कृष्ट स्थान पर लाया है। पंजाब घराने के जाने माने खलीफा मियां कादिर बख्श से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तब से आज तक उस्ताद अल्लारा खां जी इस घराने की परंपरा को देश विदेश में प्रख्यात कर रहे हैं। सन 1919 में आप जम्मू के एक छोटे से गांव किसान और सिपाहियों के खानदान में पैदा हुए। उस्ताद जी, जो कि आपके परिवार में संगीत का इतिहास नहीं है, तब आपको संगीत में चाहत कैसे आई? संगीत का ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पिताजी सब लोग संगीत को समझते थे, लेकिन उन्होंने इसको किया नहीं ठीक से। और मेरे खानदान, हम डोगरा रेजिमेंट के, मेरे दादा, मेरे चचा और सब ये लोग डोगरा रेजिमेंट में ही काम करते थे, और किसी को गाने बजाने का ऐसा कुछ था कि पसंद कर लेते थे। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा कूड़ थे, लेकिन मुझे इसका बचपन से शौक था। मैंने लोग वहाँ, हमारे यहाँ नाटक कंपनी होती है, ड्रामे होते हैं, उसमें जो तबला बजाते हैं उसके पास बैठते थे और सुनते थे। और थोड़े दिनों में हमने भी नाटक कंपनी ज्वाइन कर लिया, तो ये हर वक्त सुनते थे, फिर बजाना भी शुरू हो गया। वहाँ हमारे एक दादा, ये ऐसे दूर के रिश्ते में से थे, वो भी मियाँ कादिर बख्श के शागिर्द थे, तो वो उनसे मैं थोड़ा थोड़ा शुरू किया था। हालांकि अपने ही गुरु का ही शागिर्द थे वो, तो आस्ते आस्ते फिर विद्या का, जैसे हमारे तरफ बड़े ध्रुपद होते हैं, धमार होते हैं, सारा कुछ होता है, तो शुरुआत में बड़े बड़े ध्रुपद मैंने सीखे नाटक कंपनी में, हर चीज़ मैंने सीखा। और फिर आस्ते आस्ते करते 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 फिर इसका इतना शौक पड़ा कि अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी बजाए, अच्छे अच्छे ध्रुपद भी किए, तो तब से मुझे इसका शौक। फिर मैंने अपने पिताजी से करना भी करना है तो ठीक से करना, नहीं करना तो छोड़ देना, कि दूसरा काम कर लेना मिलिट्री में। मगर मिलिट्री में तो मेरा कादी इतना छोटा है, तो मेरे को लेंगे कैसे मिलिट्री में तो मैंने तो गाना बजाना ही, मैंने कहा सीखना है, करना है तो ठीक से करना, मैं करके बताऊंगा मैं। तो तब से ही मैं अपने घर से निकल गया था। संगीत साधना, रियाज और आपके गुरुजी के साथ जो दिन आपने बिताए, उसके बारे में कुछ कहिए। पहले जब मैं लाहौर गया तो मैं अपने गुरु को दिखना था, गुरु को मिलना था, बड़ी तमन्ना थी जल्दी से मिलूं उनको। और मेरे चचा मिलिट्री में रिटायर होके, तो उन्होंने लाहौर में एक दुकान बहुत बड़ा अच्छा किया था किराने का, बिल्कुल हर चीज़, तो मैं कुछ दुकान पे भी बैठता था। लेकिन ऐसा था कि मैं कब अपने गुरु को मिलूं। कुछ थोड़े दिन हुए तो कुछ दिनों के बाद हमारे नज़दीक एक जगह है, वहाँ गाने बजाने का जलसा हुआ, तो वहाँ हमारे गुरु जी आने वाले थे। तो वो लोग हमारे चचा को कुछ दावत देने आए, तो कह लगे भाई बात ये है, हमको तो इसका कुछ खास ज़्यादा वो नहीं होगा, लेकिन हमारा भतीजा है, उसको बहुत शौक है, उसको हम भेज देंगे। तो मेरे चचा कह लगे भाई ऐसी सी बात है, वो मियाँ जी भी तुम्हारे गुरु वहाँ आने वाले। अरे मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा, मुझे जल्दी से वहाँ ले जाओ, मैं अपने उनके दर्शन तो करूँ। तो फिर मैं उस जलसा में गया था, तो जलसा में गाना बजाना हो रहा था, एक आदमी कोई
गा रहा था वो दीप चंदी एक ताल है, वो सात मात्रा का है, उसको दीप चंदी भी कहते हैं। सात मात्रा का कई ताल है, मुझे रूपक भी है और दीप चंदी भी है, तो थोड़ा सा फर्क उसमें होता है। तो वो बजा रहा था तो वो उसको कुछ ज़्यादा रोब नहीं पड़ रहा था, मतलब वो तबला जो बजा रहा था। तो फिर मैंने कहा भाई मैं बजाऊं, हाँ। तो कल ने कहा अच्छी बात, मैं तबला ले के बैठा तो मैंने मुंह सब सम तक सात मात्रे का मुंह जो कहा, तहैया जिसको बोलते हैं, वो जो कहा तो जितने मैदान में बैठे हुए थे सब तो लोग अचंभा जैसे हो जाता है। तो बड़े वो ये खुश होकर ने मैंने कि क्या हुआ, कुछ मैं गलती तो नहीं कर बैठा। कहने नहीं गलती क्या कर बैठिए, तो इसमें तो बहुत मुश्किल है मुँह सम से सम तक कहना। तो मैं कहा ठहरो मैं दो तीन और कहता हूँ। तो वो चीज़ हमारे गुरु तक पहुँच गई। तो गुरु दूसरे किसी कमरे में बैठे थे, तो पहुँच गई तो कह लगे जी एक लड़का आया है बहुत तेज है, दीप चंदी में उसको धुन कर रख दिया। हाँ हाँ अच्छा, वो तो वो आपसे मिलना चाहता है। कह लगे मैं भी मिलना चाहता हूँ, बुलाओ उसको। तो फिर मैं वो कह लगे जी उन्होंने बुलाया, मैं कहा शुक्र है मालिक का। मैं जाके उनसे मिला तो कहने लगे कि किसके शागिर्द हो। मैंने कहा जी आपके। कहले मैंने तो तुमको देखा ही नहीं है कभी। तो मैंने कहा मैंने जो आपको देखा है, तो तुम आए कहाँ से हो। मैं कह जी मैं डोगरा हूँ। कहले डुग्गर से आए हो, जी हाँ। तो हाथ किसने रखा है। मैंने कह दी आपने। दिल में ये था ना, दिमाग ऐसा होता है ना कि गुरु को देख ले कि मैं उनका ही हूँ, मैं उनका शागिर्द हूँ, उनके ही पास सीखना है। तो अनदेखे भी ये हो जाता है कि वो कैसा क्या होता है। बस वो तो मैंने सीखने आया हूँ और मैं बजाता भी हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मैं अच्छी चीज़ मैं सीखूँगा जो प्योर विद्या है, जो ठीक है, उसको सीखने के लिए आया हूँ। वैसे तो थोड़ा बहुत मैं बजाता हूँ, काफ़ी बजाता हूँ, लेकिन मैंने और सीखना है और अच्छा सीखना है। तो मुझे आप ना किए कहना अच्छा, मैं आपको बताऊंगा। तब से मैं अपने गुरु के पास रहा और उनको तकलीफ नहीं होती थी हमको बताने में। तो जो भी वो कहते थे बोल, वो मेरा हो जाता था जल्दी, क्योंकि हमको समझ थी, फटाफट समझ जाते थे, फिर उनको सुना देते थे। उस्ताद जी आप उनके यहाँ कितने साल तक रहे। रियाज तो हम अपनी जगह करते थे, मैं उनके पास रहता नहीं था, रहता अलग था। मैंने कहा उनको गुरु को तकलीफ देना खाने की, ये नहीं पीने की, ये सारा कुछ वो हम अच्छा नहीं समझे। तो मैं अपने चचा के पास ही रहता था, लेकिन उनके पास जाता था मैं। लेकिन उनको वो पहले ज़माने में ये था कि भाई उनको गुरु को नज़र देना चाहिए जब भी जाए। तो हम मैं दुकान पे बैठता था, तो पैसे तो इतने हमारे पास थे ही नहीं, तो दुकान से पैसे ले जाते थे। तो वो जाके उनको नज़र देते थे और सीखते थे। फिर दिल में ऐसी आए कि रो इतना तुम चोरी कब तक करोगे, दुकान से पैसे चुराना लेना ये कब तक करोगे, ये तो अच्छा नहीं है। फिर हमने ट्यूशन किया, हाँ ट्यूशन किया, तीन चार टीचर में चचा को बोला कोई आस पास देखो कुछ ऐसा हो, तो चार ट्यूशन हमको मिल गया था।
तो चार ट्यूशन उस ज़माने में 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 रुपया मिलता था, एक ट्यूशन से 3 रुपया। तो वो जो मिल जाता था तो फिर हम जाके उनको तो देते थे। और 6 साल पहले इसी तरीके से हमने लाहौर में गुजारे। आकाशवाणी लाहौर में आप कब भर्ती हुए थे? आकाशवाणी लाहौर में उस वक्त नहीं थे, वो खाम का किसी ने कहा है, वो लिखा है, वो गलत बात है। आकाशवाणी लाहौर में एक हमारे दोस्त थे, इंजीनियर थे, तो उन्होंने एक कमरा लेके तो रेडियो खोला था जिसमें के 100 मील तक जा सके, तो हमने उनको हेल्प करा था। मैंने कहा ठीक है हम हेल्प करते हैं। तो उस वक्त क्या था कि वो गाने वाले तो अब इतना पैसा था नहीं कि उनको फीस कहाँ से दें, तो जो भी गाने बजाने वाले कुछ गाने वाला दिखता था कोई, भाई तुम गाते हो, कह लिया हाँ चलो आओ, फिर हम उनको रेडियो में ले आ जाते थे, हेल्प जो करना था मतलब। और बहुत सारे अच्छे अच्छे जो जान पहचान के थे उनको लेके आते थे। तो उसी टाइम पे बुखारी साहब दिल्ली से जो रेडियो स्टेशन में डायरेक्टर थे वो आए थे, वो उन्होंने देखा कि ये लड़का बड़ा जीनियस है, ये तो बहुत अच्छा है, तो फिर मुझे कहने लगे कि तुमको दिल्ली आना पड़ेगा। मैंने कहा साहब मैं इतनी दूर से यहाँ आया अपने बाप को माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ के इधर आया, आप कहते हैं वहाँ भी आओ, तो ये तो गलत बात है, आप मुझे यहाँ ही किसी रेडियो की जो खुलेगा तो यहाँ ही कल, नहीं नहीं वहाँ ही आना पड़ेगा। तो हम फिर 1936 में दिल्ली चले गए थे। दिल्ली में आप कितने साल थे? 2 साल। आप बंबई के आकाशवाणी में करीबन 7 साल तक कार्यरत रहे, उस समय की कुछ घटनाएं जो आपको याद हो और आप हमारे सुनने वालों को कहना चाह रहे हैं, कुछ कह सकते हैं उनके बारे में? वो ऐसा था कि वहाँ एक कामूरो करके अच्छे तबलीगे थे, बहुत अच्छे थे, गिनतकार थे, बहुत चंगे थे, वो रिटायर हो गए थे, उनकी जगह में आया था। तो वो कुछ दिनों में वहाँ रहा तो पेपर वाले हमारे पीछे बहुत पड़ गए, कहने का मूरू अच्छा था, ये था वो था, या लड़का क्या है, कुछ नहीं है क्या, क्योंकि नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा मतलब। तो उस वक्त फिर मैंने रवि अपना इधर बुखारी साहब कर ले, फिर तू वापस फिर दिल्ली चला जा। मैं कह दिल्ली नहीं जाऊँगा, रहूँगा तो यहीं। तो उस वक्त फिर मैंने बातखंडे जी का किताब है उसमें कुछ तार लिखे हुए हैं, तो वो सब मैंने, वो जो हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर थे उनको मैं सब छाप दो, सब बजाऊंगा। और 3 दिन पहले बोल दो हमको कि ये ताल बजाना है, तो हम यानी 3 महीने सोए नहीं थे, इसलिए कि वो उसको भी सोचते रहते थे ताल के बजाय 3रे दिन पर दूसरा बजाना है। तो 3 महीने बिल्कुल नहीं सोए थे, तो समुद्र के किनारे बैठे रहते थे और गिनतकारी करते रहते, वो ये गणना करते रहते थे। तो फिर वो तो जब बजाया तो पेपर वाले कहने लगे, या वो हमको देखने आए मतलब कि हम अदर रखा साहब को देखना चाहते हैं। तो बुखारी साहब थे तो उनको पूछा हमको अदर रखा साहब से मिलना है, कहना यहीं कहीं खेलते होंगे या कुछ समुंदर के किनारे पे गिनता होगा कुछ भी। तो बस फिर वो चपड़ासी हमारे पास गया, कहने आपको साहब बुलाता है। तो उस वक्त रेडियो स्टेशन अलीपुर, ये रेडियो स्टेशन 4th फ्लोर पे था, तो हम सीधे भाग के चले गए थे ऊपर। तो कहने जी ये अलग रखा साहब, तो वो यकीन ही नहीं करते कि ये अलग रखा है,
वो सोचा कोई उम्र का होगा, कोई छोटी मोटी हाथ में होगी कि कुछ हो, कहने यही है अल्लाह रखा था। फिर वो कहने लगे कि जब तक हम पास बैठ के सुनेंगे नहीं तो हम तक हम मानेंगे नहीं। तो फिर हमने थोड़ा बजाया था, फिर उनको यकीन हुआ ये अल्लाह रखा। तो फिर मैं मुंबई में टिक गए। इतने सालों में आपने बहुत से शागिर्द तैयार किए हैं। अव्वल तो है आपके बेटे उस्ताद जाकिर हुसैन, ये क्या बात है उनमें कि सभी शागिर्द उनके जैसे नहीं बन पा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ है नहीं, वो आस्ते आस्ते बनेंगे ना। तो ये तो 4 साल की उम्र से शुरू किया था। कौन? जाकिर। जब ये 4 वर्ष का था तो इसको शुरू कराया था। तो आस्ते आस्ते कितना कुछ उसको मिलता गया होगा, हैं? तो वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। विद्या जितने भी मेरे शागिर्द हैं, जाकर भी शागिर्द है, फजल भी शागिर्द है, अब तुम फजल को तो सुनती जा रही हो, आस्ते आस्ते ये भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा जाकर, तो कुदरत मालिक की कुछ बना के भेजती है ना किसी को, है ना? तू बना के भेजती है, जाके ही तेरा काम है, तुमको करना है। और भी शागिर्द ऐसे हैं कि जो आस्ते आस्ते थोड़ा करेंगे, इसको प्यार करेंगे विद्या को, तो ये भी, वो भी अच्छा होगा। लेकिन एक चीज है कि मालिक कुदरत की बना के भेजती है किसी आर्टिस्ट को। और अब तुम देखो ना, गिनती के आपको तबला प्लेयर जो हाई 1 लाख है वो कितने हैं, है ना? जो मालिक ने बना के भेजे हैं वही है कि नहीं? तो ये भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसके जैसा कोई नहीं है, वो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो कुदरत अल्लाह की मालिक की है, वो बना वो हो जाएंगे, होते हैं तो हो जाएंगे। आपको बहुत से मेरे शागिर्द हैं कि जो रेडियो में 1 क्लास नहीं थे, लेकिन मालिक की मेहरबानी आस्ते आस्ते 1 क्लास होते जा रहे हैं। तो जो मेरे मेरा काम है वो मेरा काम मैं करता जा रहा हूँ। आपने बंबई में एक एकेडमी खोली है बच्चों को सिखाने के लिए, उसके बारे में आप कुछ कहें। विद्या दे रहे हैं और विद्या के साथ उनको बोलना कर रियाज भी करते हैं, रियाज करोगे तो इसमें बरकत होगी, नहीं करोगे तो वो अधूरा रहेगा काम जैसा होता है। तो मेरे बच्चे लोग काफ़ी रियाज कर रहे हैं, अभी 50 के करीब मेरे शागिर्द हैं, मेरे बच्चे हैं जो स्टूडेंट में हैं। तो उसमें 20 कम से कम ये एडवांस हैं जी। तो इतना उन लोगों को बच्चों को शौक है, सारे अब्बा जी कहते हैं, और मैं उनसे कुछ चीज़ छिपाता नहीं हूँ। उनको विद्या, पहले के लोग ऐसे थे कि भाई उनको अपनी विद्या दे दी हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। तो मेरा कहने का विद्या का ये मेरा कहने का है कि फिर वो गुरु ही काय का कुछ शागिर्द आपके पकड़ ले, गुरु तो हर वक्त पकड़ सकता है, हैं? तो वो मैं उसको गुरु नहीं मानूंगा कि वो शागिर्द आके सामने हो जाए, वो सामने हो कैसे जाए, उसको तालीम ऐसी होगी, वो गुरु के सामने होगा कैसा? तो मैं अच्छी जो मुझे याद है, जो मैंने सीखा है, वो ही बच्चों को देता हूँ। विद्या जो आप दे रहे हैं बच्चों को, उसके बारे में, उनके रियाज के बारे में, वो कैसे रियाज करें इसके बाद, इसके बारे में कुछ कह सकते हैं? ऐसा नहीं है कि कम से कम 12 घंटे करना, 10 घंटे करना, नहीं, 3-4 घंटे भी काफी होता जो लगातार करे तो वो भी है। लेकिन सवेरे का जो लियाज है, हम हमारे गुरुजी हमको कहते 5 बजे उठ के करो। तो हम जब लाहौर में थे तो 5 बजे उठते थे, 5 से 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 बजे तक रियाज करते थे। और वो सर्दी के टाइम होता था, गुरु का ये कहना था कि कपड़े पड़े ये बनियान भी उतार दो,
तो जब तक तबला नहीं छोड़ रहा जब तक तुम पसीने से भीग नहीं जाओ। तो 9 बजे तक करते थे, उसके बाद फिर कुछ नाश्ता वाश्ता कर लेते थे, और उस ज़माने में बहुत सस्ता था तो वो 3 पैसे का पाव दही मिलता था और 3 पैसे का दूध भी मिलता था, तो दोनों को मिला के उसको अर्धिका कहते हैं, वो तो बड़ा पंजाबी लंबा गिलास होता है, तो एक कुलचा और पूरा गिलास हम पी जाते थे, वो सारा दिन के लिए वही मेरे लिए काफ़ी होता था, उसमें ही सब रहते थे। फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक, हाँ जी 4 बजे से 8 बजे तक, और उसके बाद फिर सो जाते थे, फिर 5 बजे उठते थे 4 बजे, यानी 8-10 घंटे कर लेते थे हम। तो अब आज के बच्चों इतना कर नहीं पाते, को पढ़ाई भी उनको होती है, तो वो उनके लिए यही काफ़ी है कि अगर तुम सवेरे उठ सको तो 5 बजे से 8 बजे तक रियाज करो, उसके बाद अपना नहाओ दो काफ़ी और अपना बच्चे। आप हमारे श्रोताओं के लिए पंजाब घराने के कुछ पारंपरिक गते, टुकड़े और परन सुनाएंगे? हमारे दादा गुरु का एक गत है, उसको इसमें मिस्र जाति में है, तो मिस्र जाति यहाँ कैसा है कि 7 को 16 में तकसीम करना है, हैं जी, जैसे धगन धग तिट 4 1 2 3 4 धग न धग तिट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इसको मिस्र जाति बोलते हैं। तो वो ये हमारे दादा उस्ताद की है, पंजाब अंग की है, पहावज अंग की, क्योंकि हमारा घराना पहावज का है, और घराना हमारा अकबर के दरबार से लगता है, वहाँ हमारे जिससे घराना शुरू हुआ है लाला बुखानी दास, वो अब अकबर के दरबार में नवरत्न में थे, पहावजी थे, तो हमारे दादा उस्ताद की गाथा है ये, ये सर्दी बहुत हो गया हमको, लेकिन मैं आस्ते आस्ते पढ़ूंगा, है ना, वाह क्या बात है उस्ताद जी, आप जो हमारे यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए आपने जो अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आप यहाँ आए हैं, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। नमस्कार।